हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। गाइस मैं आज बताऊंगा बेस्ट हेडसो सेंसिटिविटी ऑल डिवाइस। हाँ गाइस, मैं ऑल डिवाइस का सेंसिटिविटी बताऊंगा, जैसे कि 2 GB RAM, 3 GB RAM, 4 GB RAM, 6 GB RAM, 8 GB RAM। तो ये देखो गाइस, एक अलग अलग डिवाइस में अलग अलग सेंसिटिविटी होता है। और गाइस आज के इस वीडियो में वो अलग अलग सेंसिटिविटी में बताऊंगा, हर एक डिवाइस का हिसाब से बताऊंगा कि 2 GB RAM में कितना सेंसिटिविटी रखना, 4 GB RAM में कितना सेंसिटिविटी रखना और 6 GB RAM में कितना सेंसिटिविटी रखना। तो गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक रखना। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काम करना, तुम लोग अभी अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दो, क्योंकि तुम लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइस जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे सेट कर देना। देखो गाइस सबसे पहले क्या करना, सेंसिटिविटी के ऊपर क्लिक करना। सेंसिटिविटी के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या करना मैं बता देता हूँ, एक एक करके पूरा सेंसिटिविटी को समझा देता हूँ और डिवाइस के हिसाब से बताऊंगा क्या क्या रखना है। तो देखो सबसे पहले क्या आता है भाई, नीचे से दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, फ्री लुक। देखो गाइस फ्री लुक हेडसेट मारने के लिए कोई काम का नहीं, फ्री लुक हेडसेट मारने के लिए कुछ भी काम नहीं आएगा। तो फ्री लुक को अपने हिसाब से रखना, ठीक है, सबसे पहले मैं बता दिया। उसके बाद क्या आता है, स्नाइपर स्कोप। ये क्या काम है, हेडसेट मारने के लिए, हेडसेट मारने के लिए ये भी काम नहीं आता है। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, ये अपने हिसाब से रखना। जब स्नाइपिंग का स्कोप ऑन करते हो ना, वो मूवमेंट जो होता है ना, वो होता है उसका ये सेंसिटिविटी है। उसके बाद क्या आता है भाई, 4 स्कोप। तो 4 स्कोप क्या काम का है, 4 स्कोप जब ऑन करते हो, मूवमेंट जो होता है ड्रैग करते हो, उसका ये काम आता है, ठीक है। 4 स्कोप, 2 स्कोप सेम, जब 2 स्कोप ऑन करते हो, उसका जो ड्रैग करने का तरीका होता है ना, वो काम आता है। उसके बाद क्या आता है, रेड डॉट। ये क्या काम आता है, देखो जब स्कोप ऑन करते हो रेड डॉट आता है ना, रेड कलर का, वो डॉट का हिसाब से सेंसिटिविटी होता है। मतलब ये भी हेडशॉट मारने के लिए काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है ये सारे सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले कौन सा सेंसिटिविटी है, जनरल, यही है मेन। इसके वजह से भाई हेडशॉट लगता है, इसके वजह से मूवमेंट स्पीड होता है। तो जनरल सेंसिटिविटी होता है गेम का मेन सेंसिटिविटी। तो इस पता चल चुका होगा कि जनरल सेंसिटिविटी होता है गेम में मेन, इसके वजह से हेडशॉट लगता है। तो कैसे हर एक डिवाइस में अलग अलग सेंसिटिविटी रखना चाहिए, तो कैसे मैं बता देता हूँ हर एक डिवाइस में कितना सेंसिटिविटी रखना चाहिए। तो कैसे सबसे पहले बता देता हूँ, 2 से 3 GB RAM जिसका है, जिसका रैम 2 GB है और जिसका रैम 3 GB है, ये सेम सेंसिटिविटी रखना। कितना रखना मैं बता देता हूँ, तो जिसका रैम 2 से 3 GB है, वो रखना गाइस 150 से 170 तक, ठीक है। 150 से 170 तक रखना 2 GB 3 GB RAM जिसका है। और गाइस जिसके पास 4 GB RAM का फ़ोन है, वो कितना सेंसिटिविटी रखना है वो मैं बता देता हूँ। देखो गाइस बहुत सारे बंदे 4 GB RAM में गेम खेलता है, फ्री फायर कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा 4 GB RAM में फ़ोन में गेम खेलता है। मेरे पास भी 4 GB RAM का ही फ़ोन है, तो कितना सेंसिटिविटी रखना मैं बता देता हूँ। देखो गाइस सिंपल सा बात है, सेंसिटिविटी क्या काम करता है भाई, हेडशॉट मारने के लिए काम होता है और मूवमेंट स्पीड। तो देखो अपने हिसाब से तो रख सकते हो, लेकिन गाइस मैं बता देता हूँ 170 से 190 तक रख सकते हो, 170 से 190 तक रख सकते हो अगर तुम्हारे पास भाई 4 GB RAM का फ़ोन है। ये बेस्ट सेंसिटिविटी है भाई, 170 से 88 रख सकते हो, 91 में करता हो, ठीक है। और तुम कर सकते हो 77, 80 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन 170 से 190 तक रख दिया तो क्या होगा, ये बेस्ट सेंसिटिविटी होता है, जिससे मूवमेंट स्पीड भी होता है, हेड शॉट भी अच्छा खासा लगता है। देखो इस आप में बता देता हूँ 6 और 8 GB RAM का कितना सेंसिटिविटी रखना है। तो देखो 6 8 GB दोनों का सेम ही रखना, ठीक है, क्योंकि दोनों फ़ोन अच्छे से चलता है, दोनों फ़ोन का सेंसिटिविटी अच्छा होता है फ़ोन का, ठीक है। तो कितना रखना मैं बता देता हूँ, 160 से 180 तक रखना, क्योंकि फ़ोन का सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है। तो 160 से 180 तक रखना, यही है बेस। अगर 8 GB है तो भी रखना, 6 GB है तो भी यही रखना, ठीक है। तो देखो गाइस मैं फ़ोन के हिसाब से सेंसिटिविटी बता दिया, कितना रखना है, कितना रैम के हिसाब से कितना रखना है मैं बता दिया, लेकिन क्या करना है, प्रैक्टिस करना गाइस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बिल्कुल हेड नहीं लगेगा, प्रैक्टिस करोगे तो गाइस अपना जो गलती है ना, जो गलती करो वो अपने आप पता चल जाएगा। तो प्रैक्टिस करना, देखना अच्छे तरीके से हेडशॉट लगेगा। तो गाइस आज का वीडियो यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो की, बाय बाय।